हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? अगर हमारे पास स्केचअप की फाइल है, गूगल स्केचअप की फाइल है, हाउ टू इम्पोर्ट दैट स्केचअप फाइल इन 3ds Max। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि अगर 3ds Max पे इम्पोर्ट कर लिया तो उसमें टैक्सेस कैसे लगाएंगे। उसके साथ ही साथ 3ds Max के अंदर ब्लॉक कैसे डालते हैं, ब्लॉक इन द सेंस गूगल पे बहुत ढेर सारे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक को कैसे इंपोर्ट करेंगे 3ds Max में, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप्स। सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं कोई भी जो हम लोग इंपोर्ट कर सकें वहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ब्लॉक बनाना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्केचअप में बताया था, जस्ट ड्रॉ लाइक दिस योर ब्लॉक्स एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गिव द डायमेंशन, यहाँ पर आप डायमेंशन भी दे सकते हो। ओके, राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टेक द डायमेंशन, जस्ट यहाँ पे देखिए, दिस इज वॉट, दिस इज स्केल कमांड एंड दिस इज योर ऑफसेट कमांड। सो आई टेक द ऑफसेट फ्रॉम हेयर एंड लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन डालना चाहेंगे, फ्रॉम हेयर टू हेयर आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस लाइन। बताता हूँ क्लोज क्यों करना है हमको। ओके, और इसके बाद ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एक फाइल है और इस फाइल को हमको इंपोर्ट करना है, इसको हमको लेके जाना है कहाँ पे, 3ds Max में। तो इसको 3ds Max में किस तरीके से लेके जाएंगे, यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें अगर कोई पेंटिंग्स लगाने हो, ऐसा कुछ करना हो, तो उसके लिए टेक्सचर कैसे गूगल से लेके आएंगे, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फाइल एंड इन फाइल देर इज ऑप्शन एक्सपोर्ट। ओके, देर इज ऑप्शन एक्सपोर्ट, इन एक्सपोर्ट देर इज 3D मॉडल, जस्ट क्लिक ऑन 3D मॉडल। अब नाउ यू कैन सी हियर व्हिच लाइक इन व्हिच फॉर्मेट यू वांट टू कन्वर्ट, आपको कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इन 3ds Max, AutoCAD, AutoCAD DXF, whatever format you want, you can take from here. But right now we want 3ds Max. So just 3ds Max, I want to save on desktop. So just desktop पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे 258, just कुछ भी फाइल नेम दे दीजिए आप और इसके बाद एक्सपोर्ट कर दीजिए एंड ओके। इस तरीके से देखिए, मैंने एक फाइल जो यहाँ बनाई, ऐसा नहीं कि और भी कुछ नहीं बना सकते, कुछ भी बना लो आप, बना के एक साथ यहाँ पे आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा, मैंने एक्स्ट्रा फाइल खोल रखी थी और मैंने 3ds Max भी पहले से ओपन करके रखा, क्योंकि 3ds Max में आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ओपन होने में। नाउ अब हमको वो फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, सो हाउ कैन बी इम्पोर्ट, जस्ट क्लिक हियर इम्पोर्ट इम्पोर्ट। एक और फाइल खुली है, इसको बंद कर देते हैं एंड इन इम्पोर्ट डेस्कटॉप दिस वन इज योर फाइल। देखो 3ds Max में कन्वर्ट हो गई ना, एंड जस्ट क्लिक ओपन। ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कैमरा लगा हुआ आता है, तो देखिए कैमरे लगने से क्या होगा कि आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, इस कैमरे को लेना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए। इनको भी डिलीट ही कर दो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, अब इस फाइल में हमको जो करना है वो हम कर सकते हैं। हमको अगर इस पे मटेरियल लगाना है, सो हाउ कैन वी पुट द मटेरियल, तो यहाँ पे जाइए मटेरियल एडिटर पे, सेम मेथड से आप मटेरियल ले लीजिए, यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको लगाना है वो मटेरियल ले लीजिए। वीरे का मटेरियल चल रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि वीरे का जो प्लगइन होता है बहुत ही हैवी प्लगइन होता है। ये देखिए आ गया, और ये लेके आपको यहाँ से बस इंपोर्ट करना और इस तरीके से लगा देना है। आप बोलोगे सर क्या इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ कट नहीं कर सकते? कर सकते हो जी, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देखो इससे का फ़ायदा क्या होगा, मान लो यहाँ पे दूसरा कलर देना है, यू कैन टेक अ पॉलीगॉन फ्रॉम हेयर एंड जस्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ हमने दे दिया ये कलर, और इसके बाद यहाँ पे भी हमको कोई कलर देना है, सेलेक्ट लाइक दिस, यू कैन गिव द कलर, मतलब आप दो कलर के दोगे तो थोड़े से देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने कलर दे दिया इसके अंदर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आपके साथ, जब आप
इसमें कोई ब्लॉक इंपोर्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि यार गूगल से कोई ब्लॉक लेके आना है, मान लो यहाँ पे टेबल चाहिए हमको, ठीक है, ये चलो एक बेड लेते हैं, एक बेड हमको यहाँ पे लेके आना है, और जब बेड लेके आएंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है आपको, वही आज प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्रोम खोला, दोस्तों क्या आपको गूगल स्केचअप और 3ds Max में इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करिएगा, सो दैट कि मैं इन फ्यूचर, क्योंकि मैं बहुत ही कम वीडियोस 3ds Max और गूगल स्केचअप पे बनाया हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए सोचूंगा कि कुछ नए वीडियोस भी मैं गूगल स्केचअप और 3ds Max के लिए ऐड कर सकूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं आते इसके लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इस पे फाइल्स नहीं तैयार किया, मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं तैयार किया है। 3ds Max बेट फाइल, या आप बेट लिख के 3ds Max फाइल, या कुछ भी आपको चाहिए उसके, सॉरी मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, अगर आपको 3ds Max में भी डीप में स्टडी चाहिए और साथ ही साथ इसमें गूगल स्केचअप में भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना यार, तो मैं और आगे भी वीडियोस लेके आऊँगा इस पे। आज मैंने सोचा कि देखते हैं अगर आपको पसंद आता है तो आगे भी बनाएंगे इस पे वीडियोस लिए। सबसे पहले इम्पोर्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अब सेम मेथड होता है ऑटो कैड से भी इम्पोर्ट करने का। देखिए जैसे हमने यहाँ पे डाला 3ds Max फाइल, archive.3d बहुत ही अच्छी वेबसाइट अपने आप आ जाती है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे ब्लॉक है इसके अंदर। इसको लिया और इसको लेकर हमने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी बेड पसंद है, ठीक है, वैसे तो बेड ही नहीं है इसमें, बेड, चेयर्स, कैबिनेट, लैम्प्स, मिरर्स, जो चाहिए आपको सब कुछ है इस पे, ठीक है। बट मुझे राइट नाउ तो इतना कुछ नहीं चाहिए, राइट नाउ हमें, चलिए कौन सा बेड ले लें आप बताइए यहाँ से। हमने ले लिया मान लीजिए ये बेड, सपोज ये बेड लिया। अब देखिए बेड इंपोर्ट करना तो आसान है, बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको कंप्लीट देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है आपको। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, जैसे डाउनलोड, कितना ईजी स्टेप है डाउनलोड का, जैसे डाउनलोड पर क्लिक किया, जब भी कभी किसी को 3ds Max की फाइल दीजिएगा, मीन्स उसको सेंड करिएगा, तो उसमें जो भी टेम्पलेट्स, जो भी टेक्सचर्स लगाए हैं, आपको सारे टेक्सचर्स को साथ में देने पड़ेंगे, और उन सारे टेक्सचर्स को जीप फाइल में बना लीजिएगा। आपको अगर जीप फाइल बनाना नहीं पता है, जीप फाइल में समझ रहे हैं, जैसे फाइल ये है, ये देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ बॉक्स जैसा, दिस इज जीप फाइल। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप सारे मटेरियल में, थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के ये तीनों फाइल है, ठीक है, ये तीनों नहीं, ये दोनों को ले लेते हैं, ओके, इन दोनों को ले लेते हैं, और इन दोनों को लेकर मुझे क्या करना है, इनका जिप फाइल बनाना है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्सचर है और इसमें 3ds Max की फाइल है। राइट क्लिक, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे ही बना लेंगे, अब क्या होगा कि जब किसी को भेजेंगे तो आपको मेल करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल जिप फाइल भेजनी है। साथ ही साथ किसी को आपने 3ds Max भेजा है तो उसके साथ उसको सारे टेक्सचर्स मिल जाएंगे, नहीं तो आपने भेज तो दिया, जब वो ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें हमको टाइम लग गया, मैं दूसरा ब्लॉक ले लेता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आई थिंक 65 MB का है, तो इस बेटर कि हम लोग दूसरा फाइल ले लेते हैं। मैं सिंगल बेड लेने की कोशिश करता हूँ, ये फाइल छोटी, जितनी बड़ी फाइल लेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आपको भी पता है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ इसको ले लेते हैं, या 16 MB का है ये, तो इसको लिया और इसको लेकर डाउनलोड कर दिया। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे जैसे जिप करेंगे, देखिए तुरंत ये जिप फोल्डर में आ जाएगा। अब इस जिप में क्या होगा कि एक तो आपके लैपटॉप में अगर एंटीवायरस नहीं भी है तो ये आपका जिप को ब्रेक नहीं कर पाएगा, जैसे आप किसी को सॉफ्टवेयर देते हो तो जिप फाइल नहीं बना पाते हो, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है, कुछ फाइलें उड़ जाती हैं इससे की, तो जब फाइलें उड़ जाती हैं तो उसे इंस्टॉल नहीं होता प्रॉपर सॉफ्टवेयर। बट अगर आप जिप फाइल बना के दोगे, जिप फाइल बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया, यहाँ से ये और ये कर देना है बस, तो आपके वायरस भी इसमें नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपका जो फाइल है, दोनों फाइल को मिला के इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कितनी है,
देखिए प्रॉपर्टी से 451, ठीक है, बट इसको जब आप जीप में बनाएंगे तो देखिए कितने में करना, देखिए जीप बन गया है, जीप में बना के देखेंगे तो कितने में आ जाएगा ये 451, 104 MB, समझ रहे हैं कितना फर्क पड़ा। आपके लाइक जो फाइल है उसमें से एक भी फाइल उड़ाएगा भी नहीं और फाइल को छोटा भी कर देगा, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है जीप फाइल बनाने का। तो किसी को भी आप फाइल देंगे 3ds Max में, आगे से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 3ds Max आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करोगे, लोगों को फाइल दे दिया और फाइल देने के बाद पता चला कि जब ओपन कर रहे हैं तो उनको मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, तो फिर तो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमको सेंड करना है, इसलिए हमने इस वीडियो में उसको भी कवर किया है। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि ये हमारा 16 MB का है, अभी शायद थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और साथ ही साथ अगर हम लोग 3ds Max को देखेंगे तो 3ds Max में हम लोग एक काम नहीं करते, एक सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट सेटिंग इज़ व्हाट, कस्टमाइज पे जाएंगे और कस्टमाइज पे जाके प्रीफ्रेंस में, बहुत कम लोगों को ये सेटिंग पता होती है, प्रीफ्रेंस पे जाइएगा और प्रीफ्रेंस पे जाके यहाँ पे फाइल्स पे जाइएगा। जैसे फाइल्स पे जाएंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कन्वर्ट लोकल फाइल पार्ट टू रिलेटिव। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक इसको जैसे आप ओके करेंगे और फिर ओके करेंगे, देखिए होता क्या है, कन्वर्ट लोकल फाइल पार्ट टू रिलेटिव, जब आपने किसी को फाइल भेजा और आपका लोकल फाइल पाथ ओपन नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर सारी की सारी फाइल मिसिंग दिखाएगी। क्यों, क्योंकि आप मटेरियल तो भेज नहीं रहे हो। अभी देखिए थोड़ी देर बाद जब मैं अभी आपको टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, उसमें कई फाइलें मिसिंग्स होंगी, क्यों मिसिंग्स होंगी वो भी रीजन बताऊंगा। तो ये अगर आप ओपन करके रखेंगे तो फिर किसी को भेजेंगे तो क्या होगा कि उसको मिसिंग फाइल नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आपने ये ओपन कर ये ओपन नहीं किया है आपने और किसी को भेजा तो सिर्फ उसको वॉल दिखेगा, ना पेंट दिखेगा ना मटेरियल दिखेगा। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलिए यहाँ पर चलते हैं, हमारा फाइल इम्पोर्ट लाइक यहाँ पर हो चुका है डाउनलोड, और इसके बाद इसको जिप फाइल को ओपन कर लेना है। यहाँ जाइए और यहाँ जाके एक्सट्रैक्ट 8.5 करके हमारा फोल्डर है जो भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसको इम्पोर्ट कैसे करना है ये आ गया। चलिए इसको इम्पोर्ट कैसे करना है ये देखिए, देखिए इम्पोर्ट के दो मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। एक है यहाँ पे जब जाते हैं आप तो इम्पोर्ट पे जाके, एक इम्पोर्ट और एक मर्ज है, तो लोग क्या करते हैं बार बार इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करने से क्या होगा, पुरानी फाइल चली जाएगी आपकी, सिर्फ नई फाइल बचेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप मर्ज करिएगा, मर्ज मतलब एक फाइल हमारे पास है इसी में एक्स्ट्रा एक फाइल हमको जोड़ना है। मर्ज पे जाने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइएगा, और डेस्कटॉप पे जाके आपके पास डाउनलोड्स में वो फाइल थी, डाउनलोड्स पे जाइएगा और डाउनलोड्स पे जाके ये फाइल आपकी है। नहीं अभी डाउनलोड नहीं हुआ क्या, ये यहाँ पे मैंने 3ds Max फाइल हो गया था, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बेड चाहिए, और बेड लेने के बाद क्या करिए, ओपन, और ओपन करके देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मर्ज कंप्लीट विद करंट, इसके साथ इसको मर्ज करना है। मैंने कहा यस, अगर आप यहाँ पे कर देंगे कम्प्लीटली रिप्लेस तो पुरानी फाइल को सब रिमूव कर देगा और केवल इसको रखेगा, बट हमको रिप्लेस नहीं करना है। रन टू करंट, यस, ये देखिए आ गया आपका फाइल। अब ये फाइल बहुत ही हैवी फाइल आई हुई है, ये देख रहे हैं आपका घर यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो इसके लिए आपको स्केल कमांड आना चाहिए। पहले तो इसको मूव कर दीजिएगा थोड़ा सा, और फिर आपको स्केल कमांड आना चाहिए। स्केल कमांड कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और ये लेने के बाद ये करिएगा, सॉरी देखिए स्केल को भी चलाने का तरीका है। तरीका क्या है कि अगर सिर्फ जेड को नीचे की ओर करेंगे तो केवल जेड आएगा, केवल एक्स करेंगे तो केवल एक्स, बट अगर आपने बीच में किया तो सबके सब एक साथ यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए आ गया फाइल। अब देखिए इसमें क्या हमको सिखाना था आपको, क्यों हमने इंपोर्ट करने के लिए बोला, इसलिए क्योंकि जब इसको देखा हमने तो इसमें हमको कोई मटेरियल दिख रहा है क्या, देख रहे हैं इसमें जो ब्लैंकेट वगैरह थी जो इसके ऊपर कलर था वो कलर है क्या, नहीं है ना, तो वो कलर क्यों नहीं है, क्योंकि वो फाइल को मिस कर देता है। बहुत छोटा कर दिया हमने इसको, गलत कर दिया हमने, हाँ सॉरी, मैंने जब इंपोर्ट किया उस टाइम पे जब स्केल किया तो सिर्फ एक ब्लॉक सेलेक्ट था, दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट नहीं था।
इसको यहाँ से इंपोर्ट, यहाँ से इधर लेके आइए, इस तरीके से इसको मूव कर दीजिए। देखिए मैं टॉप व्यू से भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, नहीं तो सबसे बेस्ट भी होता है टॉप व्यू सजेस्ट करना। अब देखिए यहाँ पे जब हमने देखा तो टेक्सचर इसका लगा नहीं है, तो इसका टेक्सचर क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसका टेक्सचर मिसिंग हो चुका है। तो उसको अगर हम लोग यहाँ से रेंडर भी करेंगे, तो मैंने रेंडर सेटअप को ओपन किया, उसका जीआई को ऑफ कर दिया और हमने रेंडर करके देखा, ये देखिए अभी भी इसका टेक्सचर नहीं आया। तो इसका टेक्सचर क्यों नहीं आया वो रीजन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जाइए और डिफरेंस पे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये, और उसके बाद एसेट ट्रैकिंग पे जाइए। जैसे आप एसेट ट्रैकिंग पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल मिसिंग्स। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए और सेट पाथ पर क्लिक करिए और इसको पाथ दीजिए कि आप कहाँ से आपने फाइल को इम्पोर्ट, यहीं से हमने फाइल को इम्पोर्ट किया है ना। अब देखिए हमने फाइल नहीं भेजते, अगर हम ये फाइल हमारे पास पूरी नहीं होती, 3ds Max नहीं देता ब्लॉक, तो हम लोग लगा ही नहीं पाते। तो इसलिए आपको जब किसी को फाइल देना है तो विथ सारे मटेरियल देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिएगा। अभी दूसरे को जाइए, सेट पाथ और यूज पाथ, ये देखिए ओके दिखाया। ओके मींस वो सेट हो चुका है, आई थिंक इसको रीड नहीं किया उसने, या रीड किया तो अभी दिखाएगा। और यहाँ पे जाके हमने इस पर क्लिक किया और फिर से हमने इसको ओपन किया और ये इस तरीके से ओके, देखिए ये भी ओके हो गया। तरीके से अब ये सेटिंग अगर आपको नहीं पता है कि सेट कैसे करेंगे पाथ को, तो आपका कुछ भी बनाएंगे और तो दिखेगा ही नहीं मटेरियल, कुछ भी आप ब्लॉक नहीं ला पाएंगे। ब्लॉक लाने से आपके कई फायदे होते हैं, क्या टाइम आपका पूरा का पूरा बचता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ब्लॉक आप लेके आइए। देखिए इस तरीके से करके यहाँ पे जब लिंक आ जाए तभी करिएगा। ये दो दो फाइलें नहीं दिखा रहा है, लगता है वो दूसरे किसी की फाइल है। और ओके ओके, एक बार इसको फिर से सेट करके देख लीजिए। अगर वो इस बेड की फाइल होगी तो कर देगा, नई बेड की फाइल है तो उसको पाथ नहीं देगा वो। नहीं, ये इस फाइल नहीं है जो ये बेड है, कोई बात नहीं। और अब जिसको आप रेंडर करेंगे तो आपको देखिएगा पूरा का पूरा मटेरियल आपको दिखेगा कैसे, जाइए और यहाँ पे जाकर आप जब रेंडर प्रोटेक्शन करते हैं, देख रहे क्या दिखा रहा है, ठीक है। उसमें जो दो फाइल मिस थी वो दो फाइल इस बेड की नहीं है, इसलिए उसने इस बेड के लिए रीड नहीं किया, इसका पाथ वो नहीं था। देखिए प्रॉपर का प्रॉपर आपको मिल गया। इस तरीके से अगर आपको नहीं आता है कि किस तरीके फाइल सेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेक श्योर आप कोशिश करिए कि आपको सेट पाथ करना आना चाहिए। ब्लॉक किसी भी तरीके का ब्लॉक हम लोग डाउनलोड करने का आना चाहिए। ब्लॉक को जब इम्पोर्ट करेंगे तो मर्ज ऑप्शन से इम्पोर्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और साथ ही साथ आपने देखा गूगल स्केचअप से फाइल ये कैसे दिखी और गूगल स्केचअप से कैसे इंपोर्ट करना है। आप मुझे नीचे कमेंट भी करके, अब जब इतना आपने देखा है तो उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या मैं आगे आपके लिए कंटिन्यू करूँ लाइक 3ds Max और गूगल स्केचअप भी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं तो भी आप नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, बाय बाय।